हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक और अच्छे बैंक के बारे में। सारा कुछ इन्फो बताऊंगा जो लोगों को चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ़र, दूसरा बेनिफिशियरी लिमिट, तीसरा बेनिफिशियरी कितना ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कितना भेज सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से कितना भेजते हैं, सारा कुछ। तो इस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। बहुत सारे लोग इसको इंडसलैंड बुलाते हैं, लेकिन इस बैंक का नाम इंडसइंड बैंक है, ठीक है। चलिए इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जो मेरे से हो पाएगा वो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। फर्स्ट, आप 5 लाख रुपए अपने मोबाइल बैंकिंग से भेज सकते हैं। दो ऑप्शन होता है, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग मतलब एप्लीकेशन, ऐप, इंडसइंड मोबाइल, ठीक है। उस एप्लीकेशन से आप 5 लाख रुपए भेज सकते हो। और थोड़ा से समझ लो चीज़ों को क्या है। 5 लाख रुपए एक बेनिफिशियरी के पास भेजो, चाहे 5 बेनिफिशियरी के पास भेजो। कहने का मतलब समझ लो, अगर आप इंडसइंड मोबाइल से भेजते हो तो 5 लाख रुपए भेज सकते हो। या तो एक के पास भेज कर 5 लाख ख़त्म कर लो, या फिर आप 5 के पास भेजो, 1-1 लाख करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये तो हो गया आपको क्लियर। अब मैं बता देता हूँ घुमा फिरा कर बेनिफिशियरी कितना ऐड कर सकते हैं एक दिन में। तो भाई 5 ऐड कर सकते हो। अब चलिए कैसे क्या हो, तो हो सकता है 4 बेनिफिशियरी आप अपने मोबाइल बैंकिंग में ऐड कर सकते हो, ठीक है। 1 बेनिफिशियरी आप नेट बैंकिंग में ऐड कर सकते हो, मैंने जिसे एक्सप्लेन करवाया। अब यहाँ पे समस्या क्या आने वाली है उसको मैं बता देता हूँ। 5 बेनिफिशियरी ऐड कर लोगे तो आप एक के पास भेजकर 5 लाख खत्म कर लो, चाहे 5ों के पास भेजकर 5 लाख खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग में अंतर है। अगर मैं चलिए 4 बेनिफिशियरी ऐड कर लिया, 1 लोग के पास 5 लाख रुपये भेज के ख़त्म कर लिया, तो मैं अब इन 4 में से जो भी बचे हुए हैं इनको नहीं भेज सकता, बट इनको मैं पैसे भेज सकता हूँ नेट बैंकिंग के वाया 2 लाख रुपये इस 24 घंटे के टाइम फ्रेम में, अगर मैं न्यूली बेनिफिशियरी को ऐड किया हूँ तो। कहने का मतलब ये है, मतलब है कि 5 लाख रुपए आप मोबाइल बैंकिंग भेज सकते हो ख़त्म, उसके बाद उसी बेनिफिशियरी के पास 2 लाख रुपए और भेज सकते हो 24 घंटे के अंदर। अगर वही पुराना हो जाता तो अपने हिसाब से जो आपका बैंक जो भी क्राइटेरिया वाला आपने अकाउंट खुलवाया होगा, जैसे इसमें 5,000 से लगाकर 50-60,000 तक के मेंटेनेंस वाले अकाउंट होते हैं। मेरे पास 2 अकाउंट हैं, एक है 50,000 वाला मेंटेनेंस वाला और दूसरा अकाउंट है 5,000 मेंटेनेंस वाला, ठीक है। एक सेविंग है, एक करंट है। तो करंट की लिमिट मैंने बता दिया। यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत सारे लोगों को समस्या आती है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो ये सब बेनिफिशियरी। अब एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बेनिफिशियरी का ऐड टाइमिंग होता है 30 मिनट। 30 मिनट के पहले आप पैसे नहीं भेज सकते हो, लेकिन इसमें क्लू है। क्लू क्या है कि यहाँ पे दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक करेंट एक सेविंग। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, लिखेगा तो ठीक है, लिखेगा जरूर कि 30 मिनट के अंदर बेनिफिशियरी ऐड होगा, उसी के बाद पैसे भेज पाओगे, बट आप इंस्टेंट भेज सकते हो सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है। ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथली बैंक काम कर रहा है। हाँ, एक चीज़ मैंने बहुत इसमें नोटिस करा, सर्वर का इशू बहुत ज़्यादा होता है, पर ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ। 5 बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो, 4 बेनिफिशियरी आप ऐड कर सकते हो मोबाइल बैंकिंग में, 1 बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो नेट बैंकिंग में। सिंपल, पैसे चाहे जितना भेज सकते हो, 2 लाख रुपये बेनिफिशियरी के पास भेज सकते हो। मोबाइल बैंकिंग में अलग सिस्टम है, 5 लाख रुपये भेज सकते हो, लेकिन नेट बैंकिंग में आप 4 जो भी बेनिफिशियरी ऐड किए हो उसको 2-2 लाख रुपये करके भेज सकते हो 24 घंटे में। अगर वही बेनिफिशियरी पुराने हो जाते हैं, 24 घंटे के क्रॉस हो जाता है, तो चाहे जितना पैसा भेज सकते हो। ये हो गया इस वीडियो में मैंने बताने का मकसद। अगर मैं बैंक की बात करूँ, बैंक बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 0 बैलेंस मुश्किल है इस खाते में खुलवाना। 0 बैलेंस होने को कहने को होता है, बट होता नहीं है, सब देश का सर्विस चार्जेस होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा बैंक है। बेनिफिशियरी के बारे में जो मेरा टारगेट है वो बेनिफिशियरी पेमेंट लिमिट, जो कि मैंने आपको क्लियर करवा दिया। आशा करता हूँ आपको इंडसइंड मोबाइल और इंडसइंड नेट बैंकिंग के सारा जान इन्फो मिल चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और जितने लोग भी पैसे भेजना चाहते हैं इंस्टेंट या 30 मिनट वाले, उन लोग कमेंट करो कौन से बैंक के बारे में और इन्फो चाहिए। आशा करूँगा उस बैंक के भी डिटेल को निकाल कर आपको बता पाऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।